गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कल हम लोग पढ़े थे फेलिंग इंटेंसिटी ड्यू टू। आज लेक्चर क्लास लास्ट क्लास है, कल से इसको लिखाएंगे और केवल आज भर इसको देख लीजिए, कल से जितना बुलेट उसको लिखाएंगे और आप कॉपी में नोट कीजिएगा। आज का टॉपिक है भैया, आज का टॉपिक है फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वाटोरियल पोजीशन। इसको हिंदी में बोलते हैं निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक। ये कल की क्लास में आप लोग इलेक्ट्रोस्टेट्स का आज लास्ट क्लास है, लेक्चर क्लास। कल से जितने पॉइंट है सबको पॉइंट टू पॉइंट लिखाएंगे, कल से आपको इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। आज इसको खत्म कर देते हैं, कल से इसको नोट कीजिएगा। टॉपिक है आज का फील्ड इंटेंसिटी, केवल इसको समझना है, देखना है, लिखना नहीं है। फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वाटोरियल पोजिशन, हिंदी बोलते हैं निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक। ये थोड़ा सा बोर्ड का प्रॉब्लम होने के कारण साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका सुधार धीरे धीरे किया जा रहा है ताकि आपके पास साफ साफ दिखाई दे, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब ऐसा ना करें कि हमको भी परेशानी होती है कि हाँ साफ साफ नहीं लिखा पा रहा है, या बोर्ड के प्रॉब्लम से हम लोग अच्छी तरह से नहीं लिख पा रहे हैं या दिखाई नहीं दे रहा है। तो ऐसे नहीं केवल प्रॉब्लम आप ही लोग को, प्रॉब्लम हम लोग को भी है। यहाँ ऐसी व्यवस्था अपनाया जा रहा है ताकि आपकी कोई परेशानी ना हो, जो साफ साफ है उसको दिखाई दे, आवाज़ स्पष्ट रूप से जाए ताकि आप कोई परेशानी ना हो। इसके लिए आप चिंता ना करें और संस्था के ऊपर विश्वास रखें, संस्था आपको ऐसा प्रोवाइड करेगी कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो आज एक आध दो दिन जो है आप देख लीजिए, उसके बाद आपका सिस्टम जो है सही हो जा रहा है, तो आपके पास जब लाइव क्लास चलेगा तो पूरी की पूरी सूचना आपके पास स्पष्ट रूप से जाएगी ताकि आपसे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ये आज की क्लास है फील्ड इंटेंसिटी, हम बोल देते हैं दिखाई नहीं देते, तो देखिए फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वाटोरियल पोजीशन, हिंदी बोलते हैं निरक्षीय स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें। तो ये आपका निरक्षीय स्थिति कैसे बनाएंगे, तो मान लीजिए यह रहा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल, यह पोजिशन मान लीजिए क्या है ए है और यह क्या है बी है, यहाँ रखा हुआ माइनस क्यू और यहाँ आवेश प्लस है, यहां से यहां तक की दूरी क्या हुई 2L। आप जानते हो कि डाइपोल के बीच की अल्प दूरी क्या होती है 2L है, तो यह A पर रखा हुआ आवेश माइनस क्यू चार्ज, B पर रखा हुआ आवेश प्लस क्यू चार्ज, इसके बीच की मान लीजिए अल्प दूरी क्या है 2L और ये डाइपोल का मध्य बिंदु O है, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी L हो जाएगा और यहां से यहां की दूरी क्या हो जाएगी L हो जाएगी। तो इस डाइपोल के कारण आपको अब इक्वाटोरियल पोजीशन में, जिसको ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन भी बोलते हैं, इक्वाटोरियल पोजीशन में क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि यह इसका इक्वाटोरियल पोजीशन है। अब इक्वाटोरियल पोजीशन है क्या, तो पहले जानते हैं इक्वाटोरियल के बारे में।
तो किसी डाइपोल के अक्ष के केंद्र के लंबवत खींची गई रेखा, किसी डाइपोल के अक्ष के केंद्र के लंबवत खींची गई रेखा निरक्षीय रेखा कहलाती है, और उसे रेखा पर स्थित कहीं भी बिंदु आपका निरक्षीय बिंदु कहलाता है। माना कि यह जो है एक निरक्षीय बिंदु है, उसका नाम क्या कहते हैं, पी। यहां पर रखा हुआ आवेश क्या है, प्लस वन चार्ज है। साथ ही माना कि इस बिंदु पी की दूरी जो डाइपोल के मध्य बिंदु से क्या है, आर है। तो एक बार यह माइनस क्यू आवेश जो है इस बिंदु पी पर बल लगाएगा तो वह लगने वाला बल इंटेंसिटी कहलाएगा, एक बार प्लस क्यू इस बिंदु पी पर बल लगाएगा तो वह लगने वाला बल आपका इंटेंसिटी कहलाएगा। तो माना कि माइनस क्यू द्वारा बिंदु पी पर लगने वाला बल जो है वह क्या है आपका, वह है वेक्टर ई ए। क्या है वेक्टर ई ए, चल ही रहेगा नहीं का क्या हो गए, तो बिंदु P पर एकांक धनावेश रखा गया है माइनस क्यू द्वारा बिंदु P पर लगने वाला बल क्या है, मान लीजिए जो बिंदु P पर बल लग रहा है वह पर इंटेंसिटी कहा जाएगी वेक्टर ई ए, और इसे Q आवेश का बिंदु P पर लगने वाला बल इस बिंदु पर का इंटेंसिटी कहा, इसका नाम देते हैं वेक्टर ई बी। क्या हो गया, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, हो गया वेक्टर ई बी, तो ये हो गया ई ए और ये हो गया ई बी। अब यहां से मान लीजिए कि इस बिंदु पर इस माइनस क्यू आवेश कारण उत्पन्न प्रतिबद्धता वेक्टर ये है और इस प्लस क्यू आवेश कारण इस बिंदु पी पर उत्पन्न प्रतिबद्धता वेक्टर ई बी है, तो आपको इस बिंदु पी पर जो है परिणामी प्रतिबद्धता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो परिणामी प्रतिबद्धता व्यंजक निकालना है तो इसके लिए क्या करते हैं, ये माना कि यह आपका इसका एक बार बोलते हैं, माना कि ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके बीच की अल्प दूरी मध्य जिसका मध्य बिंदु ओ है, इसके बीच की अल्प दूरी 2L है। डाइपोल के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर एकांक धनावेश रखा गया है। अब इस एकांक धनावेश पर एक बार माइनस क्यू आवेश के द्वारा लगने वाला बल इस बिंदु पर क्या इंटेंसिटी कहलाएगा, उसका नाम है ई ए। एक बार प्लस क्यू आवेश के इस बिंदु पी पर लगने वाला इंटेंसिटी कहलाएगा, उसका नाम है ई बी। अब आपको ई ए और ई बी इस बिंदु पी पर एक साथ इक्वेटोरियल पोजीशन में कार्यरत है तो आपको परिणामी क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। साथ ही माना कि यह डाइपोल के साथ जो है कितना कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है, ई बी थीटा हो जाएगा, दूरी एक समान है तो यह कोण थीटा है तो यह भी कोण थीटा हो जाएगा, तो यह कोण थीटा है तो यह भी कोण क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्यों, संगत कोण से। अब यहां से यहां तक टोटल एंगल कितना हो गया, 2 थीटा हो गया, कितना हो गया जानते, दिखाई नहीं दे रहा होगा या दिखाई नहीं देता देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, बोर्ड का प्रॉब्लम है उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, जब व्यवस्था सूट हो जाएगा सूटेबल हो जाएगा तो आपको दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है एंगल पढ़ा रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो है आपका थीटा हो गया, यह थीटा, तो टोटल एंगल कितना हो गया, 2 थीटा। अब आपको परिणामी चतुर्भुज व्यंजक ज्ञात करना है, तो यहाँ एक फिगर बना है जिसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। एक बात और, यहां से
एक बार लिखे पढ़ते सुनिएगा। माना कि ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके बीच की ड्यूल है डाइपोल का मध्य बिंदु ओ है। डाइपोल के मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर एकांक धनावेश रखा गया है। तो इस बिंदु पी पर परिणामी क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। तो यह आपका समांतर चतुर्भुज की रचना की है, समांतर चतुर्भुज बन गया। तो यह अब आपका ई जो है इस समांतर चतुर्भुज का विकर्ण हो जाएगा। अब विकर्ण जो है जानते हो परिणामी सदिश को नोट करते याद कीजिए कि आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया था कि समांतर चतुर्भुज का नियम कि दो सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं हो तो उन दोनों भुजाओं के उभयनिष्ठ बिंदु से खींचा गया विकर्ण परिणामी सदिश को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार के नियम को समांतर चतुर्भुज के नियम के नाम से जाना जाता है। यदि जो उसका फॉर्मूला लिखाए थे याद है कि नहीं आप लोगों को, वेक्टर ए बराबर वेक्टर आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ऐसे बताया थे। ये समांतर चतुर्भुज का नियम है, आपको फर्स्ट ईयर पढ़ाया गया होगा। वेक्टर आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, यही नियम आप यहां अप्लाई करोगे तो समांतर चतुर्भुज के नियम के द्वारा आपको आसानी से इस परिणामी क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक इक्वेटोरियल पोजीशन में ज्ञात हो जाएगा। तो इसका व्यंजक होता है जो सॉल्व लिखते हैं जब पढ़ाएंगे तो आपको माना कि भाषा लिखवा के और क्या बोलते हैं उसका लैंग्वेज लिखवा के उसको लाइन टू लाइन सेट कर देंगे। इस की पिक्चर हो गया आपका इक्वेटोरियल का। इसका व्यंजक होता है ई बराबर 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यू। ये रहा आपका इक्वाटोरियल पोजीशन में इंटेंसिटी का व्यंजक वेक्टर ई बराबर 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यू। अब आपको दो थ्योरम पढ़ लिए, एक पढ़ा आप लोग एक्सियल में, एक दूसरा हो गया इक्वाटोरियल में। कब पढ़ा था आपको एक्सियल में याद कीजिए, एक्सियल पढ़ाए थे आपको 1 by 4 pi epsilon naught 2 pi upon r cube। अर्थात हम देख रहे हैं कि इक्वेटोरियल पोजीशन में e बराबर 1 by 4 pi epsilon naught p upon r cube है और e एक्सियल में 1 by 4 pi epsilon naught 2 pi upon r cube है। तो इससे स्पष्ट होता है कि अक्षीय स्थिति में प्राप्त क्षेत्र तीव्रता निरक्षीय स्थिति में प्राप्त क्षेत्र तीव्रता की हमेशा क्या होती है, दुगुनी होती है। अभिव्यक्ति में आता भी है कि E एक्सियल इज इक्वल टू दो गुना E इक्वाटोरियल। ये रहा आपका फॉर्मूला आपको ये या ऑब्जेक्टिव लाइन पे कि अक्षीय स्थिति में प्राप्त क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक जो होता है वह निरक्षीय स्थिति में प्राप्त क्षेत्र तीव्रता के हमेशा क्या होता है, दुगुना होता है। आप यहां भी देख रहे हो यहां E बराबर निरक्षीय में E बराबर 1 बाय 4 पाई एफ नॉट पी अपॉन आर क्यू, लेकिन वही अक्षीय में है E बराबर 1 by 4 pi epsilon 2 pi upon r cube। तो हम कह सकते हैं कि अक्षीय स्थिति में प्राप्त क्षेत्र तीव्रता निरक्षीय स्थिति में प्राप्त क्षेत्र तीव्रता की हमेशा क्या होती है, दुगुनी होती है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, जब इसको पढ़ाएंगे कल से तो इसको सीख कर देंगे। आज शॉर्ट कट जो है आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, केवल पॉइंट को नोट कर रहे हैं, वेल डिफाइन नहीं कर रहे हैं। जब पढ़ा रहे हैं तो पूरा का पूरा आपको बोर्ड पर जो है लिख कर समझा देंगे। अभी थोड़ा सा बोर्ड का ही प्रॉब्लम है, थोड़ा सा बोर्ड का प्रॉब्लम होने का आपको कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप लोग उसको गंभीरतापूर्वक ना लें, सीरियस ना लें। और ऐसा क्लास में जो है रहता तो आपको दिखाई देता या आदमी मुँह से बोल देता आपको समझ में आ जाता, लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि फैसिलिटी थोड़ा सा यहाँ पर जो है समान या जो है उपलब्ध ना होने का थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। लेकिन कल परसों से आपका क्लास जो है कंटिन्यू चलेगा, कोई प्रॉब्लम ना होगी, ऐसी व्यवस्था अपनाई गई है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, पूरा जो है सुटेबल दिखाई दे, स्पष्ट रूप से आवाज़ सुनाई दे, इसके लिए व्यवस्था जो है कल से दुरुस्त की जाएगी ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आगे बढ़ते हैं, आज लेक्चर क्लास का लेक्चर ही चल रहा है, कोई लिखाया हुआ नहीं जा रहा ताकि आपको कोई परेशानी हो, केवल सुनिए। कल से लिखिएगा साफ साफ, कल से साफ साफ लिखेंगे और बड़ा बड़ा लिखेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट टॉपिक है, इसके बाद उस टॉपिक का नाम है फील्ड इंटेंसिटी
ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एनी पोजिशन ये नेक्स्ट टॉपिक है फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाता है दिखाई देता है सुन लीजिए फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एनी पोजिशन या एट एनी पॉइंट इसको हिंदी में बोलते हैं किसी भी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें यह है आपका नेक्स्ट टॉपिक फील्ड बोल देते हैं दिखाई देता है देख लीजिए थोड़ा सा बोर्ड का प्रॉब्लम है मार्कर भी थोड़ा सा नहीं चल पा रहा बढ़िया से सर से बोला गया सर इसका व्यवस्था कर रहे हैं फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एनी पोजीशन हिंदी बोलते हैं किसी भी स्थिति में विद्युत द्विध्रुव के कारण क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करें एक बार हो गया अक्षीय में एक बार हो गया निरक्षीय में अब इस पर सिद्ध करना है ना अब अक्षीय में होगा ना निरक्षीय में होगा इसका पिक्चर देखिएगा मान कि यह एक एबी इलेक्ट्रिक डाइपोल है ये हो गया आपका ए ये हो गया आपका बी यहां पर रखा हुआ आवेश माइनस क्यू यहां पर रखा हुआ आवेश प्लस क्यू माना कि ये डाइपोल का मध्य बिंदु क्या है वो है तो आप जानते हो यहां से यहां तक क्या हो जाएगी एल हो जाएगा और यहां से यहां तक क्या होगा एल होगा अब इस डाइपोल के ना अक्षीय में रखना है ना निरक्षीय रखना है अब इस डाइपोल के एट एनी पॉइंट पर इन एनी पोजिशन में आपको एक बिंदु रखना है और उस पर बिंदु पर आपको इस डाइपोल के कारण क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है तो इसका क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक होता है ये देखिए माना कि एक ऐसा पोजिशन लेते हैं जो ना अक्षीय में हो और ना निरक्षीय में हो ये देखिए ये एक बिंदु लिए है यह बिंदु का नाम देते हैं बिंदु पी यहां पर रखा हुआ आवेश प्लस वन चार अब यह बिंदु पी जो है ना अक्षीय में है और ना निरक्षीय में है यह एट एनी पॉइंट पर रखा गया है अब इस बिंदु पी पर जो है इस माइनस चार्ज के कारण और इस प्लस चार्ज के कारण बिंदु पी पर परिणामी क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक इंटेंसिटी का व्यंजक ज्ञात करना है इसके लिए क्या करते हैं कि एक बार हम माइनस क्यू आवेश के बिंदु पी पर इंटेंसिटी ज्ञात करेंगे तो माना कि डाइपोल ऐसा ना हो माना कि डाइपोल क्या ऐसे रखा गया है ये मान लेते हैं ये हो गया इसका ए डैश और ये हो गया आपका बी डैश अब ए डैश बी डैश डाइपोल हो गया तो यह इस पर लंबवत हो जाएगा तो यह रहा इसका लंबवत और ये रहा इसका अक्षीय पोजिशन तो ये कहलाएगा ई एक्सियल क्या कहलाएगा क्योंकि इसी लाइन के एक्सिस में आगे बढ़ रहे हैं तो इसका ई एक्सियल और इसी पर हम एक लंबवत रेखा खींच देते हैं यह कहलाएगा इसका ई इक्वाटोरियल क्या कहलाएगा ई इक्वाटोरियल जब पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो अब केवल देखिए समझना है जब लिखाएंगे तो साफ सुथरा लिखेंगे आपको बड़ा बड़ा लिखेंगे ताकि आपको दिखाई दे कोई परेशानी ना हो धीरे धीरे लिखेंगे साफ सुथरा लिखेंगे बड़ा बड़ा लिखेंगे अभी केवल चुपचाप देखिए लेक्चर क्लास चल रहा है समझाने के बाद सब पॉइंट टू पॉइंट लिखाया जाएगा बोर्ड पर से छापना आपको कोई परेशानी नहीं होगी आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया आपका एट एनी पॉइंट पर बिंदु यहाँ पर ई एक्सियल ये हो गया ई इक्वेटोरियल तो इस पर ये आपका जो है परिणामी क्षेत्र तीव्रता हो जाएगी ये आपका ई ये हो गया इसकी परिणामी क्षेत्र तीव्रता वेक्टर ई आपको यही ज्ञात करना है तो माना कि एक बार इसके समानांतर यहाँ एक रचना करते देखिएगा यह इसके समानांतर हो गया यह इसके समानांतर है एक बार इसके समानांतर रचना करते हैं यह इसके समानांतर हो गया अब माना कि डायपोल जो है बिंदु पी जो है डायपोल के साथ थीटा कोण बनाता है यह थीटा है तो इस पर यह लंबवत है यहां से यहां तक 90 डिग्री हो जाएगा
अब यह परिणामी क्षेत्रफलता का व्यंजक वेक्टर ई ज्ञात करना है, तब जान तो यह जो परिणाम आपको ज्ञात करना है यह समांतर चतुर्भुज के नियम से यह इसका विकर्ण है। आप जानते हो कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण ही उस चतुर्भुज का क्या करता है, परिमाण शो करता है, परिणाम शो करता है। अर्थात यह पढ़ा है, याद कीजिए कि यदि दो सदिश किसी चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं हो तो उन दोनों भुजाओं के उभयनिष्ठ बिंदु से खींचा गया विकर्ण परिणामी सदिश को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार के नियम को सदिश के योग के समांतर चतुर्भुज के नियम के नाम से जाना जाता है। तो यह आपको यहाँ पर उसी का नियम रहेगा। तो इस नियम के द्वारा जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे नियम, तो इसका व्यंजक होता है, अभी शॉर्टकट पर लिख रहा है, अभी इसका वेरीफाई नहीं कर रहा, शॉर्टकट पर लिख रहा है, बुझाते हैं। इसका व्यंजक होता है एट एनी पॉइंट फॉर वेक्टर ई बराबर 1/4πε0p/r³√3cos²θ+1। ये आपका एट एनी पॉइंट पर इन एनी पोजिशन में इंटेंसिटी का व्यंजक है, ई बराबर 1/4πε0p/r³√3cos²θ+1। यह आप एक व्यंजक है। तो आपके इस चैप्टर में आप इसके टॉपिक में आपके तीन व्यंजक इंपॉर्टेंट है। एक है एक्सियल पोजीशन में इंटेंसिटी का व्यंजक, दूसरा है एट एनी पॉइंट पर इंटेंसिटी का व्यंजक, और तीसरा है इक्वेटोरियल पोजीशन में इंटेंसिटी का व्यंजक। आप एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, जब भी आएगा तो पास नंबर में आता है, तो आपको थोड़ा सा इस पर ध्यान देना पड़ेगा और ध्यान देकर इसको समझना पड़ेगा। जब पढ़ाएंगे तो ये इसका पिक्चर है, इसका यहाँ डायरेक्ट इसका थ्योरम लिखे हैं, इसको सिद्ध नहीं किया है, आपको केवल दिखा रहा है कि इसमें कौन कौन टॉपिक पढ़ना है। जब पढ़ाएंगे तो वेल डिफाइन करके इसको लिखा देंगे, इसका भाषा, इसका लैंग्वेज, इसका प्रूफ, इसका पिक्चर, ये कैसे आता है इसको बनाकर दिखा देंगे। ये शॉर्टकट क्लास चल रहा है, लेक्चर थ्रू आपको दिखाते कौन कौन टॉपिक जानना है, समझना है, कौन कौन आता है, कौन नहीं आता है, आपको वहीं बताया जा रहा है, इसलिए आप केवल ध्यान से देखना है। कल से इसको सब लिखाया जाएगा, आगे बढ़ें। अब नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक है, देखिएगा इसके बाद सेकेंड लास्ट टॉपिक है चार्ज एंड इंटेंसिटी का इलेक्ट्रोस्टेट्स में। पहला भाग था इसका, पहला पार्ट था चार्ज एंड इंटेंसिटी का, सेकेंड लास्ट टॉपिक है, दिखाई नहीं दे रहा, और नीचे लिखते हैं, दिखाई दे रहा है, बोर्ड साफ नहीं हो रहा है, दिखा रहे कितना भी साफ करने से साफ नहीं हो रहा है। टॉर्क प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वाटोरियल हिंदी में बोलते हैं इसको समरूप क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के कारण बल्ब आघूर्ण सेकेंड लास्ट टॉपिक है टॉर्क प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड हिंदी में बोलते हैं समरूप क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के कारण बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात करें। तो कैसे इसको देखते हैं, माना कि यह एक समरूप क्षेत्र है,
आपको बताए थे क्लास में कि वह क्षेत्र जिसमें विद्युतीय बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है एवं प्रत्येक बिंदु पर क्षेत्र तीव्रता एक समान होती है वह समरूप क्षेत्र कहलाता है। ये आप दिखाई दे रहे आपको समरूप क्षेत्र का आपको ज्ञात करना है टॉर्क प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म फील्ड इन्हें बोलते हैं समरूप क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव के कारण बल उनका व्यंजक। तो माना कि यह एक समरूप क्षेत्र में जिसके प्रत्येक बिंदु पर इंटेंसिटी के मान एक समान है। अब इसमें हम क्या करते हैं एक डाइपोल रखते हैं देखिएगा माना कि यह इलेक्ट्रिक डाइपोल है यहां पर रखा हुआ माइनस क्यू यहां पर रखा हुआ आवेश प्लस क्यू इस बिंदु का नाम देते हैं बी और इस डाइपोल के बीच की दूरी क्या है 2L है। अब इस डाइपोल के कारण जो है इंटेंसिटी का बोलते हैं टॉर्क का व्यंजक ज्ञात करना है बल गुण का व्यंजक ज्ञात करना है। अब जानते हो इस डाइपोल पर दो प्रकार के बल आरोपित होंगे जैसे मान लें कि यह समरूप क्षेत्र है यहाँ पर डाइपोल रखे हैं तो यहाँ पर रखने के कारण जो है यहाँ पर एक बल लगेगा तो यह ऐसे घूम जाएगा एक बार यहाँ बल लगेगा तो यह ऐसे घूम जाएगा क्योंकि जब डाइपोल को इसमें रखते हैं तो रखने के दौरान क्या होता है डाइपोल को जैसे आप समरूप क्षेत्र में रखते हैं तो समरूप क्षेत्र में रखने के दौरान डाइपोल का जो है एक बल आरोपित होता है वह बल एक बार आरोपित होगा उसका नाम होगा QE और एक बार यह बल आरोपित होगा उसका नाम होगा माइनस QE क्योंकि इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद कीजिए पढ़ाया था एक बार इंटेंसिटी में वेक्टर E बराबर वेक्टर F बाई Q E बराबर F बाई Q हो गया तो F बराबर क्या होगा E इंटू क्यू चाहे क्यू इंटू ई सेम वही फॉर्मूला है यह आप प्रत्येक बिंदु पर इंटेंसिटी का मान समान है तो इस डाइपोल के दोनों ध्रुव पर दोनों सिरे पर एक बल लगेगा इस सिरे पर लगेगा क्यू ई और इस सिरे पर लगेगा माइनस क्यू ई तो क्यू ई और माइनस क्यू ई दो प्रकार के बल आएंगे लेकिन अंतर क्या होगा कि इस डाइपोल पर दो बल मान में समान होंगे लेकिन इनकी दिशा क्या उससे विपरीत होगी अर्थात बल में मान समान और दिशा एक दूसरे से विपरीत होने के कारण जो है इस डाइपोल पर एक प्रकार का बल युग्म इसको बोलते हैं कपल क्या बोलते हैं बल युग्म कार्यरत होगा। तो यह जो है फिर से बोलते सुनिएगा माना कि ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसके बीच की दूरी 2L है डाइपोल को समरूप क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया कितना कोण पर माना कि यह डाइपोल का जो है लंबवत पोजीशन है इसलिए वो इसके बीच में क्या थीटा कोण पर रखा गया है। तो डाइपोल पर जो है समान एवं विपरीत प्रवृत्ति के दो आवेश सॉरी समान विपरीत प्रवृत्ति के दो बल क्यू ई और माइनस क्यू ई जो है आरोपित है इनका मान समान किंतु दिशा क्या है उसी से विपरीत है विपरीत होने का यह बल युग्म बनाते हैं और यह बल युग्म जो है इस डाइपोल में बल आघूर्ण उत्पन्न कर देते हैं क्या उत्पन्न कर देते हैं बल आघूर्ण। अब यह बल आघूर्ण जो है इस डाइपोल को जो है रोटेट करना शुरू कर देते हैं मान लीजिए यह डाइपोल है इसको हम क्या बोलते हैं समरूप क्षेत्र में रख देते हैं तो यह इसका माइनस क्यू आवेश या प्लस क्यू आवेश दोनों बल आएगा तो यह डाइपोल को एक बार मान लीजिए ऐसा रखें तो ये डाइपोल ऐसे धकेलेगा तो यह ऐसे धकेलेगा तो यह बल ऐसे लगेगा। अब यह ऐसे धकेले पर यह दोनों बल मान में समान है लेकिन दिशा क्या दोनों को विपरीत है तो यह डाइपोल जो है अपने अक्ष पर ही ऐसे ऐसे घूमना शुरू हो जाएगा अर्थात यह घूमने पर जो है डाइपोल में जो है बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। इसी बल आघूर्ण का व्यंजक आपको इस पिक्चर की सहायता से ज्ञात करना है तो इसका व्यंजक होता है शॉर्टकट में लिखते हैं देखिए बोर्ड पर बल आघूर्ण व्यंजक होता है टॉ टॉ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। इस पिक्चर की सहायता से आपको जो पढ़ाएंगे
वेल डिफाइंड करके जब लिखाएंगे कॉपी पर, बोर्ड पर लिखेंगे या कॉपी में पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो आपको बताएंगे टॉप पी साइन थीटा ये बल आघूर्ण का व्यंजक है, इस पिक्चर के द्वारा इसको सिद्ध किया जाता है। कैसे आता है जब पढ़ाएंगे तो इसका लॉन्गवेज लिखा के इसको सिद्ध कर देंगे। अभी लेक्चर क्लास में केवल टाइटल लिख के आप समझाए, ये रहा आपका बल आघूर्ण का व्यंजक टाउ इक्वल टू टाउ टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। तो आपको यह बल आघूर्ण का व्यंजक इस टॉपिक में आपको सिद्ध करना है, जब पढ़ाएंगे तो इसको सिद्ध कर देंगे। अभी केवल देखिए कल से इसको लिखाना शुरू करते हैं, ठीक है। अभी केवल लेक्चर क्लास चल रहा है, केवल इसको शॉर्टकट में लिखते हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं, अभी से इसको सीध नहीं किया है। जब पढ़ाएंगे क्लास में वन बाई वन करके तो पूरा लिखेंगे, उसको समझाएंगे, उसको बताएंगे, ठीक है। लास्ट टॉपिक बच गया, लास्ट टॉपिक है वर्क डन बाय ए रोटेटेड एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल। हिंदी बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक, विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का व्यंजक ज्ञात करें। सेम टू सेम अभी जो पिक्चर बनाए थे समुद्र क्षेत्र में बल आघूर्ण का व्यंजक ज्ञात किए थे, सेम टू सेम पिक्चर वही होगा। अब आपको ये ज्ञात करना है कि कैसे होगा, तो आपको जो है अभी समझा देते हैं। पिक्चर सेम टू सेम होगा, माना कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसको समुच्चय में रखा गया है, डाइपोल पर कार्यरत बल क्यू ई है, तो डाइपोल में बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा। वह बल आघूर्ण जो है इस डाइपोल को जो घुमाएगा तो वह घुमाने में किए कार्य का व्यंजक क्या होता है, तो सुबह डब्लू बराबर पी वन माइनस कॉस थीटा, ये रहा आपका कार्य का व्यंजक डब्लू बराबर पी इंटू वन माइनस थीटा। जब पढ़ाएंगे इसका पिक्चर बना के इसको समझा देंगे, इसको लिखा देंगे ताकि आपको कोई डाउट ना हो। तो ये रहा आपके इलेक्ट्रोस्टेट्स का शॉर्टकट लेक्चर, इलेक्ट्रोस्टेट समाप्त हो गया। कितना टाइम हो गया, दो मिनट। तो आपका जो है इलेक्ट्रोस्टेट्स, याद कीजिए जब हेडिंग किए थे इलेक्ट्रोस्टेट्स के चार भाग होते हैं, एक भाग चार्ज एंड फील्ड इंटेंसिटी, दूसरा भाग गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, तीसरा भाग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और चौथा भाग था आपका कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर में। इलेक्ट्रोस्टेट्स का पहला पार्ट जो भी चल रहा था आपके दो तीन लेक्चर क्लास चल रहा था, तीन दिन लेक्चर क्लास हुआ, तो ये लेक्चर क्लास में आपको केवल कौन कौन सा टॉपिक आपको चार्ज एंड इंटेंसिटी में पढ़ना है केवल वही बोर्ड बता रहे थे, अभी कुछ लिखा नहीं रहे थे, वही समझा रहे थे बोर्ड पर जल्दी जल्दी उसको लिख रहे थे, कुछ राइटिंग जो है रफ हो रहा था, कुछ राइटिंग जो है अच्छा दिख रहा था, कुछ टॉपिक को डायरेक्ट लिखते थे, कुछ पिक्चर जो है साफ नहीं आ रहा था। तो लेक्चर क्लास में थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा था, बोलने का भी स्पीड ज़्यादा था और लिखने का भी स्पीड ज़्यादा था, तो उस केस में आप लोगों को परेशानी हुई होगी, हो सकता है दिखाई ना दिया हो सकता है सुनाई ना दिया हो सकता है पिक्चर दिखाई ना दिया हो सकता है बोर्ड बढ़िया से साफ ना हो सकता है पूरा अक्षर ब्लैक ब्लैक आपको दिखाई दे रहा हो, हम जानते हैं इससे दिखाई दे रहा हो सकता है दिखाई दे रहा है, तो यह बोर्ड का जो परेशानी जो है कल से दूर हो जाएगी। अब क्या करते हैं, जितना टॉपिक आपको इलेक्ट्रोस्टेट्स का सूच लेकर अंतर जल्दी बोले हैं, कुछ लड़के जो है
उसको सुने होंगे, कुछ लोग नहीं सुने होंगे, कुछ लोग को अच्छा लगा होगा, कुछ लोग खराब लगा होगा, कुछ लोग देखे होंगे, कुछ लोग नहीं देखे होंगे। तो उसको टॉपिक को जो है अब लाइन से लेक्चर क्लास आज समाप्त होता है। अब जितना पहला पार्ट जो चार्ज और फील्ड इंटेंसिटी जितना पहले आज बोले हो उसको वन बाय के जो है पूरा कॉपी में लिखा देते हैं, कल से साफ सुथरा लिखा देंगे, उसके बाद आपको क्या बोलते हैं कॉपी में नोट कराएंगे। अब आपका जो कमेंट आ रहा था कि सर दिखाई नहीं दे रहा है, सर बोर्ड का प्रॉब्लम है, सर बोर्ड साफ नहीं है, सर गंदा गंदा दिखाई दे रहा है, सर आप बढ़िया नहीं लिख रहे हैं या आवाज़ नहीं आ रहा है, तो कल से आदमी कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि अक्षर जो है साफ साफ आपको दिखाई दे, आवाज़ स्पष्ट रूप से सुनाई दे और प्रत्येक थ्रो आपके कॉपी पर बढ़िया से नोट हो जाए। तो इसके लिए हम कल धीरे धीरे आपको पूरा साफ सुथरा राइटिंग के साथ लिखेंगे ताकि कोई परेशानी ना हो। आज लेक्चर क्लास समाप्त हो गया, कल से आते हैं तो वन बाय वन के जितना बोले अब लिखाएंगे। कल से आप अपना कॉपी अपने साथ रखिएगा, कल से पढ़ाएंगे तो आपको कॉपी में वो नोट कराएंगे, जो पढ़े हैं वो उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं रफ में या फियर में या लिख सकते हैं, जो नहीं पढ़े वो भी लिख लीजिएगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। जब कोचिंग खुले तो आपको चेक किया है तो आपकी कॉपी में अवेलेबल हो गया, आप पढ़े होकर ना पढ़े हो। तो आज इतना ही, टाइम खत्म हो गया तो आज इसको रहने तक कलाते से उसको लिखाएंगे। आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट। आप चिंता मत कीजिए, आपकी जो है जो आप कंप्लेन आप कमेंट आया है उसका जो है निवारण किया जाएगा, उसका रेमेडी उपचार होगा ताकि कोई परेशानी ना हो। आज इतना ही, टाइम खत्म हो गया, ऑल द बेस्ट।